हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सैमसंग B310E को किस तरह से फ्लैश करते हैं। तो आइए हम आपको देखते हैं कि सैमसंग B310 को किस तरह से फ्लैश किया जाता है। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, उसका जो पैक फाइल होता है। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप डालेंगे सैमसंग B310 फ्लैश फाइल, तो आपका इस तरह से आपका ये आपको डालना है गूगल पर सैमसंग B310 फ्लैश फाइल एंड टूल। इसे आप यहाँ पर ऐसे आपका आ जाएगा, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपका वो उस पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे स्टार्ट कर लेना है। इस ओपन से यहाँ पर आप स्टार्ट क्लियर करेंगे, तो जैसे ही आपका स्टार्ट क्लियर हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये सैमसंग B310 का फोल्डर बन किया जाएगा। आपका रिसर्च डाउनलोडर के नाम से एक फोल्डर है, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक उसके बाद फिर आप बिन में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रिसर्च डाउनलोडर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको लोड, लोड पैकेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोड पैकेट क्लिक करेंगे, इसके बाद आप डेस्कटॉप पर जाएंगे जहाँ पर आपको वो फाइल पड़ी हुई है आपकी। डेस्कटॉप पर जाएंगे जो भी आपकी, जहाँ पर वो फाइल आपने सेव की है, यहाँ पर हम देखेंगे B310 का जो है B310। दोस्तों ये किधर है, किस नाम से है ये सैमसंग B310E, ये सैमसंग B310E के नाम से है। डेस्कटॉप ये है, इसमें आपकी ये सैमसंग B310E पैक फाइल है। क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे, आप देख सकते हैं आपकी ये फाइल यहाँ पर लोड हो चुकी है। अब आपको स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट डाउनलोडिंग कर देंगे, अब आपको फ़ोन कनेक्ट करना है। तो आपको फ़ोन कनेक्ट करने के लिए आपको दोस्तों बैटरी को अपने मोबाइल से निकाल लेना है, और उसके बाद फिर बैटरी को इंसर्ट करते हैं। और आपको बीच का जो आपका होम की है, जो बीच का सबसे बड़ा बटन है, आपको उसको बीच में प्रेस करके आपको ये डाटा केबल इस पर लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से साउंड आएगा, और फिर इसके बटन को छोड़ दीजिए और यहाँ पर ये फाइल को डाउनलोड होने दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये भी थोड़ी देर में यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, ये हमारा इसमें अभी इसका जो टूल है वो इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए हम अभी सबसे पहले इसका टूल इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल पर, और अब यहाँ पर डायल करेंगे सैमसंग SPD टूल फ्लैश फाइल। ये जो आपका सैमसंग फ्लैश टूल है, इसे आप क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पे से इतने सारे जो भी हैं, आपको यहाँ पर लेटेस्ट वाला लेना है, लेटेस्ट आया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे, फाइल से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ये आप डाउनलोड करना है, ये 9 MB का है। आप यहाँ पर ये डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे आपके टूल आपको इसको ओपन करना है, तो मिनिमाइज कर देते हैं, आप ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, अब इधर देखेंगे इसमें कहीं सेटअप नाम का होगा। आप देख रहे हैं CMD XE ड्राइवर, CMD को क्लिक करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप जो है इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको ये किस तरह से इंस्टॉल करना है। मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ, SPD अपग्रेड फोल्डर मैंने ओपन फोल्डर किया, मेरा ये आ गया है, कॉपी किया, डेस्कटॉप पर लेके आया, उसके बाद मैंने इस पर एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक किया,
ये हमारा एस बी डी का फोल्डर बन चुका है, यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका आपके टूल, ये आपका आ गया है अपग्रेड टूल। इसमें आपको पोर्ट पर क्लिक करना है, आपको डेस्कटॉप से वो सैमसंग की फाइल उठानी है, सैमसंग G310E बैक फाइल पे क्लिक करना है, ओके करना है। आपकी फाइल ये आ चुकी है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की बैटरी निकालनी है, और इससे पहले आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फ़ोन की बैटरी निकालिए, बैटरी इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद होम की को दबा के रखिए और इसमें USB केबल को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे ऐसे साउंड आएगा, और उसके साथ ही आपका यहाँ पर ये कनेक्शन शो कर देगा। जी हाँ, देखते रहिए आप, अब बटन को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों देखो, हमारा ये आ चुका है, अभी हमारा रेडिंग फ्लैशिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, फ्लैश फाइल, उसके बाद आपको SPD ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ये SPD अपग्रेड डाउनलोडर ओपन करना है, उसके बाद आपको पोर्ट से ये पैक फाइल लोड करनी है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको बैटरी निकाल के मोबाइल की बीच की होम की का बड़ा बटन जो बीच से दबाना है और USB को इंसर्ट कर देना है, सिर्फ वेट करना है। आपकी डाउनलोड देखो स्टार्ट हो रही है दोस्तों, अभी आपका फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है, अब आप देखते रहिए। दोस्तों हमारा ये कंप्लीट होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लगभग हमारा ये होने ही वाला है, ये आपका फ्लैशिंग हो रहा है इस टाइम। और यहाँ पर आपका देखो फ्लैश आ रहा है, इरेजिंग फ्लैश इन प्रोग्रेस, आपको वेट करना है रीडिंग फ्लैश। देखो अब दोस्तों रीडिंग हो रहा है, जो आपकी पुरानी फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। अब इसमें ये देखो दोस्तों क्या आ गया है, फिनिश पास्ट, आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारे ये फ्लैश हुआ है नहीं हुआ है। जब आपने ये को आपको लोड पैक फाइल लोड करने के बाद जो आपको बैटरी निकाल कर ये जो बीच वाला चौड़ा सा बटन है ये बटन दबा कर उसके बाद फिर यहाँ से आपको USB देनी है। जी हाँ, उसके बाद ये बटन छोड़ देना, ये बीच वाला बटन है, बीच में बीच का जो ये आपका है। अब हम देखते हैं ऑन करके ये हमारा फ्लैश हुआ है नहीं हुआ है। अब एक बार इसकी बैटरी निकाल कर तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और ये हमारा फ़ोन जो है प्रॉपर तरीके से फ्लैश हो चुका है। अब आप खुलने दीजिए। तो दोस्तों फ्लैश करना बहुत इसी है, आपके पास कोई बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लैपटॉप से डाउनलोड करके फाइल को इसको फ्लैश कर सकते हैं। देखो हमारा ये आ चुका है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है, और हमारा ये सिंबल भी यहाँ पर शो कर रहा है, इंसर्ट सिम बता रहा है। अब हम इसमें सिल डाल के इसको यूज करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।